यहाँ पर हो चुका है अब गलती का एहसास। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अब चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से अब सभी को ईशान गलत समझ रहा है, इसके बाद अब सभी ईशान को एक बहुत बड़ा सबूत देती नजर आएगी। ये सबूत पाने के बाद ईशान समझ जाएगा कि ईशा की कभी कोई गलती थी ही नहीं। अगर ईशा के साथ किसी ने गलत किया है तो वो अक्का साहिब ही है। वो अपनी माँ ईशा को इतने सालों तक गलत समझता रहा, यहाँ तक कि उसे इस बात का भी बुरा लग रहा है कि उसने तो ना जाने ईशा को कितना बुरा भला कह दिया। लेकिन अब हम आपको बता दें कि जब ईशान को अपनी इस गलती का एहसास हो ही चुका है तो अब एक बहुत बड़ा कदम वो उठाता हुआ नजर आएगा। वो यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि ईशा से खुद तो माफी मांगेगा ही, वो अक्का साहिब को भी ईशा के पास लेकर जाने वाला है। वो साफ साफ कहेगा कि अक्का साहिब आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। यहाँ पर अक्का इसलिए भी मजबूर है क्योंकि वो जानती है और अब वो जान चुकी है कि जो वसीयत सामने आई है उसमें ईशा के हाथ में बहुत बड़ी पावर है और इसीलिए अब वो इन सारी चीजों को लेकर मजबूर है। हम आपको बता दें कि ईशान को सभी ने इस बात का एहसास दिला ही दिया कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। उसने इस बात का एहसास दिला दिया कि उसकी माँ कभी भी गलत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो हमेशा से अपनी माँ को गलत मानता रहा। सभी जानती थी कि जब ईशान के दिल पर चोट लगेगी, जब ईशान के जमीन पर चोट लगेगी तो उसका दिल अपनी माँ के लिए जरूर तड़पेगा। भले ही वो इस बात का दावा करता हो कि अक्का साहिब ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ पर अक्का साहिब ही थी जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। और अब जब अक्का साहिब की सच्चाई उसके सामने आएगी तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको क्या लगता है कि अब जब ईशान को अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, अब जब ईशान ये जान चुका है कि वाकई में असली गुनहगार कौन है और ईशान अब जब ये जान चुका है कि सभी ने अक्का साहिब के बारे में जितनी भी बातें कही हैं वो गलत नहीं थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या ईशान जो है अपनी माँ ईशा को भोसले परिवार में ले जाने की कोशिश करेगा? क्या वो वाकई में अब भोसले परिवार का हिस्सा उसे बनाएगा? क्या वो अपनी माँ को न्याय दिलवाएगा? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।